मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। अभी तक हम जो भी पढ़ते हुए आए हैं इन्वायरमेंट के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, वो सब हमने एक्सटर्नली देखा है। लेकिन जब हम इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे घरों में, यहाँ में या जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या पोल्यूशन है, तो ये सारी चीजें आपकी इंडोर एयर पोल्यूशन में आते हैं। और आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका कोज है लंग कैंसर का, वो आपका इंडोर एयर पोल्यूशन है। अभी तक हम बहुत ज्यादा सोचते हुए आए हैं कि जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है, जो हमारी H2O या SO3 नेगेटिव, जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह प्रेजेंट है, वो सब कोज हैं हमारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज के। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो इंडोर पोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, स्पेशली अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में अब कम हुआ है लेकिन अब भी है। तो स्टार्ट करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन से। तो सबसे पहले पोल्यूशन जो होता है वो किसी भी चीज का, एयर हो, वाटर हो, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज आ जाता है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन में ऐसा ही है कि हमारा जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है एयर की, जो इंडोर है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो इस रूम में एयर प्रेजेंट है, उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या चेंजेस आए हैं। तो इंडोर की बात कर रहे हैं, इंडोर एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? एक होम हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, एक ऑफिस हो सकता है, या कोई अगर इंडस्ट्री है जो कि कवर्ड है पूरा, जैसा भी होता है वो हो सकता है। तो वहां पर एयर की क्वालिटी क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या है एयर की, तो हम उसको देखते हैं। अब इंडोर एयर क्वालिटी आप देखेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपके फोन में भी आता है जब आप वेदर खोलते हैं कि आज इतना AQI है, इतना AQI, लॉकडाउन में भी कमी है, लेकिन जब खुलेगा तो जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम 6 कंपोनेंट देखते थे। अब IAQ क्या है, ये आपका इंडोर एयर क्वालिटी है, कि आपके घर के अंदर की जो क्वालिटी है एयर की वो कैसी है। अब टीवी में ऐड आने लगा है, आप जो है आपका कैंट का हेपा फिल्टर आप घर में लगवा लो, तो वो सब आपका एयर क्वालिटी जो इंडोर की है उसको इम्प्रूव करने के लिए है। तो बट आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, बहुत अच्छी कंपनी में जाएंगे, तो वहां पे आपको वो हेपा फिल्टर लगा होता है जो कि आपकी अंदर की एयर क्वालिटी को मेंटेन रखता है। जो भी आप एंटीजन या कोई डिजीज कॉजिंग आपकी बॉडी के ऊपर, कोई बैक्टीरिया, वायरस जो भी प्रेजेंट है, तो वो सब आपका दूर हो जाता है हेपा फिल्टर से। तो अब घरों के लिए भी ये आने लगा है। तो एयर क्वालिटी में हम 3 चीज चेक करते हैं, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, जो आपके आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स हैं, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। और इसके साथ एक ऐसा पोल्यूटेंट और है, वो अभी हम देखेंगे आगे, जो आपको लंग कैंसर कोज करता है। जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उनको कैंसर क्यों हो जाता है, तो वो आपको पता लगेगा कि उनमें कैंसर किस वजह से हो रहा है। स्मोकर को वो ऐड करते हैं थोड़ा, उन्हें और प्रमोट कर देते हैं लंग कैंसर के, लेकिन नॉन स्मोकर्स जो हैं उनमें, यानी जो स्मोक नहीं करते हैं उनमें, मेन जो रीजन है वो हम अभी हम देखेंगे। तो इंडोर पोल्यूशन को हम 2 तरीके से दे सकते हैं, रूरल और अर्बन, यानी गाँव में और शहरों में। मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया है तो बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो रूरल एरिया में देखें तो यहाँ के जो रूरल एरिया में है वहां पर लोग ज्यादा थोड़ा इंडोर एयर पोल्यूटेंट से अफेक्टेड होते हैं। रीजन क्या है कि वहां पर जो ट्रेडिशनल फ्यूल है, यानी आप देखते हैं कोयला जला लिया, या फिर जो लकड़ी जलाते हैं मेनली, या फिर काउडंग जो जिन्हें हम गाय के उपले कहते हैं, या बहुत चीजें कहते हैं, काउडंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, एक कॉमन है, उन्हें जला के जो है एज एन फ्यूल यूज किया जाता है, खाना पकाया जाता है हीट के लिए, या जो लोग एक तरह से हुक्का पीते हैं वो भी इसमें ही आ जाता है कि आपका एक इंडोर पोल्यूटेंट ही है वो। इसके साथ साथ एक और बड़ा रीजन है पेट्स का। जनरली आप जब भी गांव में जाएंगे तो आपको घरों में आपके जो है कॉमन जो एनिमल्स हैं, काउ हो गया, बफेलोज होगी, हॉर्सेस हो गए, ये सब आपको मिलेंगे। तो उनसे जो आपके हेयर्स वगैरह हैं पेट्स से, वहां से बहुत सारा आपका पोल्यूटिंग मटीरियल आता है। तो वहां चाहे जो भी पेट से निकलता है हेयर्स हों, या उनसे जो आने वाला बैक्टीरिया है, उनका स्लाइवा है, तो वो सब आपका एक इंडोर पोल्यूशन में ही काउंट हो जाता है, कि वहां पे एनिमल्स की प्रेजेंस से भी जो है आपका इंडोर पोल्यूशन होता है। मेन जो रीजन है वो आपका बायोलॉजिक, आपका जो है ट्रेडिशनल फ्यूल है, लेकिन अब जो
इंडियन गवर्नमेंट कर रही है कि उसको रिप्लेस करके जो एलपीजी है वो कर रही है, इसलिए कम ही हुआ है। तो और उसके साथ साथ इंडोर जो आप किसी विलेज में जाएंगे तो वहां पर जो होता है क्रॉप से रिलेटेड चीजें भी होती हैं, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स है आपके जो एक कॉमन पोल्यूटेंट है, अर्बन एरिया में भी है लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, तो ये आपका ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेटर थ्रेट है इंडोर पोल्यूशन के लिए। अब ड्यू टू ट्रेडिशनल फ्यूल, हमने बात करी थी लकड़ी से या फिर जो आप और कोई काउ डंग का यूज करते हैं तो वो आपका मेन होता है, हीट के लिए करते हैं, पेट्स होते हैं या जो आपका फील्ड से रिलेटेड काम होता है वो ऑलमोस्ट घर में होता है। नेक्स्ट अर्बन एरिया में, अब रिसेंटली मैं जिस चीज से यानी जिस इंडोर पोल्यूशन से अफेक्टेड हूँ वो ये वाला पोल्यूशन है। टाइट बिल्डिंग है यानी आप देखते हैं कि वेंटिलेशन कम होता है अर्बन एरियाज में, फ्लोर बने होते हैं, तो ये सब आपका इस होता है कि टाइटली आपकी बिल्डिंग होती है यानी ज्यादा स्पेस नहीं होता, वेंटिलेशन कम होता है, सिंथेटिक मटेरियल ज्यादा यूज होता है यानी चाहे आपका प्लास्टिक हो, फर्नीचर है तो फर्नीचर प्रोटेक्टिव यूज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो भी एक पोल्यूटेंट का कारण बनता है। रिड्यूस वेंटिलेशन सबसे बड़ा एक कॉज भी है और एक सफर करने वाली चीज भी है रिड्यूस वेंटिलेशन। पेस्टिसाइड्स परफ्यूम्स जो आपके ये ऑल आउट आते हैं, मच्छर मक्खी मारने वाले, काला हिट आता है, ये सब आपके पेस्टिसाइड्स हैं। परफ्यूम, आप जो परफ्यूम यूज करते हैं वो भी आपका एक इंडोर पोल्यूटेंट है। जनरली जल्दी हम बाथरूम के लिए ओडोनिल यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके के यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी आपके पोल्यूटेंट में ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। इसलिए हेयर स्प्रेज आते हैं, वो सब आपका एक पोल्यूटेंट में ही है। तो मेन जो है अर्बन एरिया में देखे तो वो आपके जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिन्हें हम VOC कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पोज करते हैं आपके जो इंडोर एयर पोल्यूटेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है आपके क्या होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं और बिना वेंटिलेशन की वजह से होते हैं। अब मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये भी एक तरह का आपका टोल्यून से बना होता है, कुछ इस तरह का होता है, तो ये भी आपका एक पोल्यूटेंट ही है। अगर मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट का एक कंस्टिट्यूएंट है। यहाँ पर आप देखेंगे हेयर स्प्रेज हो गया, पॉलिश होगी, परफ्यूम्स जो यूज करते हैं हम डिफरेंट, एयर फ्रेशनर, फर्नीचर प्रोटेक्टिव हो गया या रूम फ्रेशनर भी हम कह सकते हैं, वो सब इसी के अंदर आ जाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैंसर कॉजिंग एजेंट रेडोन। रेडोन का ज्यादा इफेक्ट जो है अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। और इसको लेकर इंडोर एयर पोल्यूटेंट को लेकर जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो रेडोन है, ये ICMR के आपका जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। अब रेडोन क्या है, ये आपका कलरलेस ओडरलेस रेडियो एक्टिव गैस है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है फिर भी ये रेडियो एक्टिव गैस जो आपकी गैस है वो निकल कहां से रही है, तो जो आपका सॉइल में यूरेनियम प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होता रहता है धीरे धीरे और जिसकी वजह से आपकी जो ये रेडोन गैस है वो निकलती रहती है। तो कलरलेस ऑडरलेस गैस है दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ यूरेनियम इन द सॉइल। ये सॉइल में है, हमारे घर पे कोई आपका जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है लेकिन वहां से निकलता है। अब अर्बन एरिया में क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है तो ये बाहर नहीं जा सकता, इसलिए जो बंद घरों में रहते हैं वो ज्यादा इसके प्रायर है इन्फेक्ट होने के। अब होता क्या है, जो ये लीडिंग कॉज है आपका लंग कैंसर का नॉन स्मोकर्स में, यानी जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इसका लंग कैंसर का कॉज बनता है वो आपका रेडोन बनता है। अब बात कर लेते हैं इनफिल्ट्रेशन, नेचुरल वेंटिलेशन और फोर्स वेंटिलेशन। ये जनरली आपका जो इन्वायरमेंट है उसको बताता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब आपके जो घर है उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट क्या है। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो बिल्डिंग होगा, अगर आपका घर किसी पार्क के पास है तो खुला एनवायरनमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो बिल्डिंग है और जो बाहर का नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके बीच में कैसे एयर एक्सचेंज हो रहा है। जब आपके घर के खिड़की दरवाजे बंद है तब कैसे एयर एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जो आपके डोर्स क्लोज्ड हैं, विंडो क्लोज्ड हैं, यानी बिल्डिंग का एनवायरनमेंट के साथ कैसे नेचुरल एयर से कनेक्शन होता है, कैसे एक्सचेंज होता है, तो उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, नेचुरल एयर एक्सचेंज बिटवीन बिल्डिंग एंड द एनवायरनमेंट। तो ये होता है नेचुरल वेंटिलेशन कि आपके जब घर के दरवाजे खुले हैं, विंडोज खुली हैं, आप कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो आप एग्जॉस्ट यूज करते हैं, हम कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर नेचुरल वेंटिलेशन क्या है, यानी खुद से हवा कितनी आ रही है, जा रही है विंडो से लेके या आपके डोर से लेके,
तो ये आपका नेचुरल वेंटिलेशन में कराता है, एयर एक्सचेंज व्हेन डोर्स एंड विंडोज आर ओपन। इसमें सिर्फ बिल्डिंग का देख रहे थे, क्लोज था, इसमें ओपन है। फोर्स वेंटिलेशन में जब आप कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज करने लगते हैं, या मैकेनिकल इक्विपमेंट या हेपा फिल्टर यूज कर रहे हैं आप, या कोई एग्जॉस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो आपका एक मैकेनिकल हो जाता है या फिर एयर सिस्टम हो जाता है। तो जब आप फोर्स वेंटिलेशन कर रहे हैं, एयर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका फोर्स वेंटिलेशन में आ जाता है, एयर एक्सचेंज और एनी अदर मैकेनिकल और एयर सिस्टम। तो ये आपका फोर्स वेंटिलेशन में होता है। तो ये कंप्लीट एक आपको इंफॉर्मेशन थी, एक व्यू था इंडोर एयर पोल्यूशन से कि हम कैसे बच सकते हैं वेंटिलेशन को बढ़ाकर। जो है पेट्स को अगर घर में ना रखा जाए तो एक बेनिफिट चीज होती है, क्योंकि अर्बन एरिया में पहले ही बहुत सारी चीजें हैं, अगर पेट्स होंगे तो उनसे रिलेटेड भी हमें जो पोल्यूटेंट है वो भी देखने पड़ेंगे, चाहे उनके हेयर्स हो या और कोई चीज हो, उनके खाने के थ्रू हो, ब्रीथिंग के थ्रू हो, तो वो अर्बन एरियाज में एक प्रॉब्लम हो सकता है। रूरल एरिया में वो चीज कॉमन है, क्योंकि उनका जो है इकोनॉमिकल स्टेटस है वो पेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और शायद आपको इससे थोड़ा समझ में आएगा कि आप कैसे इंडोर पोल्यूशन से बच सकते हैं और कितना हार्मफुल है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।